हेलो दोस्त, आरआरबी जेई टेक्नीशियन और पैरामेडिकल का पैनल 5749 कैंडिडेट का, यानी 5749 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट की मंजूरी मिली थी 13/6 को, उसका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया है। 3 आरआरबी का नौकरी और पैनल जारी हो गया। मेडिकल होगा लेकिन फिर भी कैंडिडेट का नाम आ गया तो बेनिफिट है, तो बधाई। मुंबई, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी। अब यहाँ पे इशू उठता है कि 5749 को मिलेगा क्या? इसमें पैरामेडिकल भी है, टेक्नीशियन भी है, जेई भी है, एलपी का तो गोरखपुर छोड़ के बाकी आरआरसी में लगभग आरआरबी में ख़त्म ही हो गए हैं। तो यहाँ पे गोरखपुर का भी हमें लगता है एलपी वाले कैंडिडेट को दे दिया जाएगा पैनल, लेकिन अभी डिले हो सकता है, ये डिपेंड करेगा वहाँ की खाली के कंडीशन पे। लेकिन जो रेलवे बोर्ड ने अप्रूवल किया था उसका रिजल्ट आ गया है, वो देखने चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रिजल्ट देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कब ये अप्रूवल हुआ था रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो 13/6/2023 को अप्रूवल हो गया था, जिसमें बोला गया था कि जितने भी जोनल रेलवे में हैं उसमें जेई का, टेक्नीशियन का और पैरामेडिकल स्टाफ का जो वेटिंग से कैंडिडेट है उनको भरा जाएगा। हालांकि ग्रुप डी और एनटीपीसी में कोई वेटिंग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पैरामेडिकल में है, तो देखिए पैरामेडिकल का पोस्ट थोड़े थोड़े रहता है, वो अलग चीज़ है। वहाँ पे ज़रूरत होते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ तो आप समझिए कि उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। वो स्टाफ का सेफ्टी वगैरह भी इशू है, वो भी एक मैटर हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी हुआ था, सभी यूनिट को निर्देश दिया गया था कि ये टोटल हर आरआरसी में आपको लेना है। तो उसमें से अभी जो रिजल्ट आया है उसका हम गुवाहाटी के बात करेंगे। एनएफआर गुवाहाटी वाला में 127 पोस्ट अप्रूवल हुआ था, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी दोनों मिला के। तो उसमें से सिलीगुड़ी और गुवाहाटी का तो आ गया है। उसके अलावा सेंट्रल रेलवे मुंबई में कुछ पैनल अप्रूव हुआ था 1041 का, और उसमें आपका भोपाल में भी है कुछ, लेकिन जितने भी है तो उतना का आप ही देखेंगे। मुंबई WR में भी कुछ आता है, लेकिन अभी CR WR का दोनों का देखेंगे। टोटल 5749 लोगों का पैनल जारी होना था, अभी मतलब इतने का अप्रूवल सीट मिला है। उसमें से एक एक करके देख लेते हैं। 127 गुवाहाटी और उसमें था, तो सबसे पहले गुवाहाटी के डेट में 20 के डेट में आपको 3 पैनल आए हैं। पहला एक पैरामेडिकल का, देख लीजिएगा ध्यान से, दूसरा जेई का और DMS CMA का, और तीसरा टेक्नीशियन 3 का। तो तीनों को एक एक करके देखेंगे। तो आप देखिएगा, ये मैं पहले डाउनलोड किया हूँ, तो यहाँ पे एक बार और गुवाहाटी में जो टेक्नीशियन की बात करेंगे, इनको मालीगांव गुवाहाटी के लिए भेज गया है। तो एक एक करके देखिए, कैटेगरी नंबर 34 में देखिएगा तो 5 कैंडिडेट को, फिर 48 में 1 कैंडिडेट को, 3 कैंडिडेट को, फिर 1 2, फिर ऐसा आपका सिग्नल और टेलीकॉम दोनों में मिला के कैंडिडेटों को बुला लिया गया है। यानी 5 5 10 2 12, सबसे बड़ा जो है वो टेलीकम्युनिकेशन में बुलाया है। तो 12 आप देखेंगे, 13 14 14 3 17 17 18 और 5 18 5 कहें तो आपके पास टोटल टोटल आपके 23 कैंडिडेट को पैनल जारी हो गया है। और 23 पैनल जारी हो गए, 127 पोस्ट अप्रूवल हुआ था, तो 127 में आपका टेक्नीशियन, जेई और पैरामेडिकल भी है। तो तीनों को एक एक करके देखेंगे। तो दूसरा हम जेई का देखेंगे, तो यहाँ 23 कैंडिडेट तो टेक्नीशियन के हो गए और जेई में ठीक ठाक कैंडिडेट हैं। तो 3 1 4 1 5 1 6 4 10 4 14 और 8 14 8, यहाँ भी 22 कैंडिडेट हैं। तो 23 और 22 कहिए तो 55 कैंडिडेट हो गए यहाँ पे जो अप्रूवल थी उसके हिसाब से। फिर पैरामेडिकल में हम जाएंगे, तो पैरामेडिकल में आप यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं, एक मिनट, पैरामेडिकल का कितने लोगों का जारी हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 55 और यहाँ पे थोड़े थोड़े हैं, 1 2 1 4 कैंडिडेट हैं, यानी टोटल 69 कैंडिडेट, यानी से यहाँ से जोड़ देंगे तो 59 कैंडिडेट का पैनल जारी हो गया है गुवाहाटी से। उसके बाद इसमें जो 127 था उसमें सिलीगुड़ी भी था, तो सिलीगुड़ी भी आप देखने चलते हैं कि सिलीगुड़ी में भी आ गया है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा, तभी तो दोनों का पूरा होगा। 127 लगता है धीरे धीरे दे देगा जितने कैंडिडेट का है। तो सिलीगुड़ी में भी देखिए आप, यहाँ पर आपका 1/18 में आपका टेक्नीशियन का पैनल जारी हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा सिलीगुड़ी में, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ठीक ठाक पैनल है। टोटल आप देखें तो आप यहाँ लिखा होगा जा रहा करके, यहाँ पे 42 कैंडिडेट का यहाँ भी लिस्ट है, यानी यहाँ से 59 और 42 जोड़ दे तो 60 और 40 100 हो गया। 100 यानी 101 कैंडिडेटों का पैनल हो गया अभी तक,
समझ गए होंगे, 127 अप्रूवल हुआ है तो 101 हो गया। उसके बाद अभी दूसरे में जाएंगे तो यहाँ पे भी ये आपका जेई का होगा, तो जेई में कितने लोगों का है, तो जेई में आपको देखिएगा सभी अलग अलग डिजाइन में है, पीवीए में है, आपका वर्ष में है, और सब मिला के अलग अलग है। देखिए 15 नंबर कैटेगरी, 64 नंबर, 34 नंबर, ये हो गया। तो 135 कैंडिडेटों का लिस्ट जारी हो गया, अप्रूवल हुआ था 127 अभी तक, 34 से जोड़ देंगे इसमें तो 135 कैंडिडेट को हो गया। उसके बाद पैरामेडिकल का भी हो गया, यानी यानी ध्यान दीजिएगा तो पैरामेडिकल का भी पैनल है। तो एक मिनट, जितने अप्रूवल था उससे ज़्यादा पैनल दे दिया, कुछ लोग कहते हैं कि पोस्ट नहीं मिलती है, तो पैरामेडिकल का एक है, यानी 127 पोस्ट अप्रूवल के अगेंस्ट 136 लोगों का नाम दे दिया है। हो सकता है कोई कैंडिडेट डीबी में फेल हो, या कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करना चाहे, और इतना ही कैंडिडेट बचे होंगे उसके हिसाब से पोस्ट को एडजस्ट कर लेगा। तो टोटल अप्रूवल के हिसाब से आपको सबको दे दिया है। यहाँ पे सिलीगुड़ी की बात करें, मुंबई में देखिए बहुत पोस्ट है, मुंबई में उतनी अपनी आबाद नहीं है, सिलीगुड़ी और हमने भोपाल देख लिया, अब सिलीगुड़ी और गुवाहाटी देख लिया, अब देखते हैं मुंबई। मुंबई में टेक्नीशियन का पैनल यहाँ पे आया है जो आपका 23 तारीख के डेट में आया है, तो यहाँ पे देखेंगे टेक्नीशियन का है, पैरामेडिकल का है, और जेई का है, तीनों का एक एक करके है। तो पहले हम टेक्नीशियन वाला देख लेंगे, ये एक्चुअली टेक्नीशियन का अलग अलग कैटेगरी यहाँ बहुत होता है। तो कैटेगरी नंबर 30 में 8 लोगों को बुलाया है, क्रेन ड्राइवर में 2 बुलाया है, फिर ऊपर भी क्रेन ड्राइवर ही है आपका, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे और WR दोनों का यहाँ का वैकेंसी रहता है, मैंने बोला बोला था दोनों का है। और WR का मैं 34 नंबर कैटेगरी में 11, 37 नंबर में 13, उसके बाद 51 TRD और TRD OC और TRD दोनों में 51-52 में बुलाया है लोगों को, फिर 54 में बुलाया है इलेक्ट्रिकल TRS में जो 33 KV का है, TRS में फिर 54 में, 93 मैकेनिकल वर्कशॉप में, उसके बाद रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग का एक कैंडिडेट, TRD आपका PUA वाला या रिमोट कंट्रोल वाला का 2 है, उसके बाद ट्रैक मशीन में 3 है। टोटल करके 137 कितने लोगों को बुलाया लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ भी अभी पैनल ठीक ठाक कह सकते हैं कि एक टेक्नीशियन में कई लोगों को उम्मीद थी, उसके हिसाब से कई लोगों का यहाँ पे आगे प्रोसेस के लिए कर दिया गया है। टेक्नीशियन के बाद बात करेंगे यहाँ पे पैरामेडिकल का, एडिशनल सप्लीमेंट्री कौन का है, पैरामेडिकल है, एक मिनट देख लेते हैं पैरामेडिकल का होगा, ये थोड़ा ही पोस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 कैंडिडेट का पैरामेडिकल का पैनल आ गया है। उसके बाद आपका JEE वाला में देखिएगा, तो JEE वाला में यहाँ पे एडिशनल आ जाएगा, तो JEE वाले पैनल में 3/18 में देखिएगा तो 55 नंबर कैटेगरी में 5, 56 में 1, 63 में 1, 67 में 1 और 68 में 2, इतने कैंडिडेटों का यहाँ पे पैनल जारी हो गया है। तो कुल मिलाकर कहें कि जो आपका शुरुआत हुआ था उसका धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गया है। कई सारे RRC डिले भी करते हैं, RRB डिले करते हैं, कई सारे जल्दी भी कर देते हैं, तो जल्दी वाले में आ गए हैं मुंबई, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी, जो आपको कह दे कि जो 5749 अप्रूवल किया था रेलवे बोर्ड ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। तो बधाई, थैंक यू, धन्यवाद।